तो अब हमें यहां से क्या करना है, इनको नीचे करने के बाद में सीधे क्या करना है, रन फाउंडेशन, राउंड फाउंडेशन पे क्लिक कर दिया हमने। तो देखिए आपका ये आ गया, ठीक है, सारे ग्रिड आ गए। तो ये तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, तो सीधे हम जॉब सेटअप पे चले, क्रिएट न्यू सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्या, 1 2, और यहाँ पे हमने नाम दे दिया क्या, फाइल कैप, और यहाँ से हमने चूज कर लिया इंडियन कोड, और यहाँ से यूनिट कर ली हमने SI, ठीक है। अब ये अवेलेबल लोड केसेस हैं, इनको इंक्लूड कर लें नीचे की तरफ सबको, और क्या करते हैं, क्रिएट जॉब। तो देखो यहाँ पे अब पाइल कैप का जॉब आ गया, ठीक है। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या होता है, डिजाइन पैरामीटर्स, जिसमें कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ये सारी चीजें वैल्यू देनी है। हम यहां से बार साइज चेंज कर देते हैं, 40 की जगह कर लेते हैं इसमें 10 और 12, ठीक है, ठीक है। और यहां से फाइल का लेआउट चेंज कर लेते हैं। तो फाइल लेआउट में सबसे पहला देखो ये है आपका, ये लेआउट अरेंजमेंट किसके लिए है, फाइल नंबर 1 के लिए। तो जितने भी आपकी इसमें है फाइल, मतलब सपोर्ट है, सारी सपोर्ट आपको यहाँ शो कर रहा है, तो आपको एक एक फाइल के लिए यहाँ पे वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेंगी। तो हमने सपोर्ट नंबर 1 को चूज कर लिया, और यहाँ पे आपकी फाइल कैपेसिटी इसमें हम दे रहे हैं क्या, किलो न्यूटन न्यूटन यूनिट है, और लेटरल फोर्स है आपकी कितनी, 100 किलो न्यूटन, वर्टिकल जो आपकी है वो है 500 किलो न्यूटन, और जो अपलिफ्ट है वो है 300 किलो न्यूटन। फोर्स है। हाँ ये फोर्सेस हैं जो कि आपकी पाइल पे लगेंगी, ठीक है। इतनी वैल्यूज के लिए आप उसे डिजाइन करने के लिए जा रहे हो। अब ये है आपका पाइल का डाया, कि पाइल का डायर आपको कितना लेना है, यानी कि पाइल का डायर आपने लिया है 500 mm, और उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है आपकी, 1.5, और एज से डिस्टेंस है आपका 0.5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऑटो अरेंजमेंट पे जाना है और कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो आपके पास में देखो यहाँ पे पाइल अरेंजमेंट आ गए, जैसे 2 पाइल अरेंजमेंट ले रहे हो आप, तो आपके पास इस तरह से है और इस तरह से है। तो सपोर्ट 1 के लिए कौन सा पाइल अरेंजमेंट लेना चाहते हो, 2 का या 3 का, 2 ले ले और ओके कर दो। तो देखो दोनों के लिए कोऑर्डिनेट आ गया आपका। अब यहां से चूज करो सपोर्ट नंबर 2 सेम, और ये वैल्यूज सेम रहने देते हैं, और सीधे कैलकुलेट पे गए, और यहां से हम ले लेते हैं 3 पाइल अरेंजमेंट। ये हमारे ऊपर डिसाइड है कि हम इसमें कौन सा अरेंजमेंट डाल रहे हैं, राइट। सर अरेंजमेंट क्या है ये? ये है कि जैसे कि आपका पाइल में क्या होता है, नीचे की तरफ पाइल जाते हैं, तो इस प्लेट के ऊपर से आपका कॉलम जाएगा, और इस प्लेट को हैंडल करने के लिए नीचे आपने 3 पाइल लगा रखे, सपोर्ट हाँ नीचे के लिए जो आपके पाइल जाएंगे वो 3 पाइल है इसमें, और इसको ओके कर दो। तो ये को यहाँ पे आ गया, तो पहले के लिए हमने 2 ले लिया, दूसरे के लिए 3 ले लिया, और तीसरे वाले को चूज किया, फिर तीसरे वाले के लिए लेना पड़ेगा। अच्छा ऑटो नहीं करती कोई दिक्कत नहीं, तो कौन सा ले, 3 का भी ले सकते हो, 4 का भी ले सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे। ऐसे ही करके आप जितनी फाइल्स के लिए अरेंजमेंट दे दोगे आप चूज करते जाओ, और यहां से हर एक फाइल के लिए वैल्यू चेंज करते जाओ, ठीक है भाई।
तो हमने पांच के लिए डिसाइड कर लिया और अभी इन पांचों को ही हम डिजाइन करते हैं। अब सीधे ये इतना करने के बाद में सीधे हमें डिजाइन पे जाना है और यस कर देना है। तो देखो हमने पांच के लिए वैल्यू दी थी तो पांचों के लिए आ गई हमारी डिजाइन। अब एक एक करके डिजाइन रिजल्ट देखे तो पाइल अरेंजमेंट आ रहा है, कॉलम की डायमेंशन आपको दिखा रहा है, पाइल कैप की डायमेंशन दिखा रहा है, ज्योमेट्रिकल डेटा दिखा रहा है, पाइल ज्योमेट्री डेटा दिखा रहा है आपको, पाइल कैपेसिटी दिखा रहा है, मटेरियल प्रॉपर्टी दिखा रहा है, कंक्रीट कवर दिखा रहा है। सर इसमें ये भी बता देता है कितना मटेरियल लगेगा? मटेरियल नहीं, ये नहीं बताएगा इसमें, कोई सी स्ट्रक्चर में नहीं बताया, मतलब कोई सी भी डिजाइन में नहीं बताया है। नहीं फाउंडेशन में नहीं बताएगा, सुपर स्ट्रक्चर का बता सकता है बस, कंक्रीट और इसका बता सकता है। हाँ जो इससे पहले हमने कर रहे थे फाउंडेशन में नहीं बताया, कंक्रीट डिजाइन में बता देता। हाँ उसी में बताएगा सिर्फ। ठीक है ये आपका पाइल कैप थिकनेस आ गया, ये देखो मूवमेंट के लिए चेक किया है तो मूवमेंट में देखो इसने क्या बता रहा है, हैंड्स सेफ दिखा रहा है आपका। फिर आपका चेक चेक फॉर द वन वे शियर, वन वे शियर में भी देखो व्यू ऑब्जर्व दिस, और उसके बाद में मैक्सिमम बार साइज निकाला इसने, बार साइज के लिए भी हैंड सेफ आ रहा है देखो, और सिलेक्शन फॉर रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट भी आपको देखो दिखा रहा है 18 इंच एंड सिलेक्टेड बार साइज, सिलेक्टेड द रेनफोर्समेंट इज एक्सेप्टेड। तो इसमें आपको वो भी आपको दे दिया इसने रेनफोर्समेंट कितने का लिया है, स्पेसिंग कितनी है 170 और स्पेसिंग इसने 1500 mm लिए। ठीक है और इसमें आगे बढ़ते हैं, हाँ वो हो गया। अब यहाँ से देखो दूसरा पाइल अरेंजमेंट आ गया आपका, तो ये दूसरे की कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई आपकी। अब इसमें आगे देखो डिटेल में, यहाँ पे देखो आपको डायमेंशन दिखा रहा है, ये हमने लो फुटिंग वन के लिए टू पाइल अरेंजमेंट लिया था, दिखा रहा है आपको देखो ये ऊपर कॉलम जा रहा है, ये आपकी स्लैब डली हुई है और ये आपके नीचे की तरफ पाइल जा रहा है। इसमें देखो सरिया भी आपको दिखा रहा है कि 10 mm की सरिया है 170 mm डिस्टेंस पे, और आपकी ये जो है 16 mm के लिए रखी है इसने, 16 mm की 220 mm डिस्टेंस पे। ठीक है और इसमें ये एलिवेशन दिखा रहा है देखो, ये दोनों तरफ आपके दो पाइल है और बीच में आपका कॉलम यहाँ से निकलेगा। और अगर यहाँ पे आप चूज कर रहे हो किसके लिए, टू के लिए जिसमें आपने थ्री पाइल अरेंजमेंट लिया था, दिखा रहा है देखो 16 की है और आपका कितने है? दोनों ही 16-16 की लिए है इसमें। ठीक है भाई जो नीचे तीन है वो पाइल दिखा रहा है, हाँ तो उसमें एक ही दिखाया था फर्स्ट बार। अरे यार एक छुप गई थी ना उसके पीछे भाई, जैसे कि आपका ये है तो इसमें दो है ना, इसका अगर साइड व्यू देखोगे आप तो एक इसके पीछे आएगी ना उस तरफ, यस तो वही है। अब थ्री वाला देखते हैं, थ्री वाले में देखो तीन का था तो यहाँ पे भी देखो, अब तुम कहोगे सर यहाँ पे दो ही दिखा रहा है भाई, एक इसके पीछे छुप गई है ना आपकी, इसी का को तो क्रॉस सेक्शन साइड व्यू दिखा रहा है आपको इस साइड से। ठीक है तो ये आपको सबकी डिजाइन इस तरह से मिल जाएगी आपको, राइट। और इसमें आप कुछ चेक नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ड्राइंग के थ्रू और कैलकुलेशन शीट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये थी आपकी कौन सी पाइल कैप, दूसरी वाले भी आज बता दूं या कल बताऊं? बता दे। ठीक है दूसरी वाली मैं आपको बताता हूं आज, जॉब सेटअप पे जाते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया,
डिलीट जॉब। अब फिर से हम यहाँ पे गए क्रिएट जॉब पे, यहाँ पे इसका नंबर दे दिया, और यहाँ पे मैं अभी आपको कंबाइंड बता रहा हूँ, ठीक है। मैट में कल बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। और यहाँ से हमने ले लिया इंडियन यूनिट SI और इसको नीचे कर लिया। इसी को हम स्ट्रिप फुटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिप फुटिंग। अब इसमें आपने इसको नीचे की तरफ कर लिया, क्रिएट जॉब कर दो। अच्छा हो गया। अच्छा अब देखो सबसे पहला ऑप्शन किस चीज का है आपका? हाँ गलत हो गया इसका, इसके एक बार दोबारा से हमें ट्रीट करना पड़ेगा। हमने इसमें स्ट्रिप्स नहीं बनाई, क्रिएट जॉब नंबर दे दिया, कंबाइन चूज कर लिया, यहाँ से इंडियन SI और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब देखो नीचे यहाँ पे क्रिएट जॉब करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आता है ये, इसमें आपको यहाँ पे व्यू चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो टॉप से देखने के लिए हमने ले लिया। अब इसमें आपको जैसे कि एक स्ट्रिप्स आपने ये बना ली, ठीक है, और यहाँ पे कर लो क्रिएट, तो ये फुटिंग वन आ गई। तो इसी को वो कॉलम वन मानेगा और इसके नीचे से आपके पांच वो निकलेंगे। ये देखो पांच सपोर्ट इसने कंसीडर कर लिया आपने, एक फुटिंग आपने ऐसे करके बना ली, एक फुटिंग आपने ऐसे करके बना ली। तो ये आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है भाई। तो जितनी चाहे आप उतनी स्ट्रिप्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, मतलब जितनी जैसा अपना प्लान था वैसे ही बना सकते हैं हम इसको। हाँ बिल्कुल बना सकते हो, और किस तरह से आपको बियर कराना है उस तरह से भी आप इसको ले सकते हो। इस तरह से करने के बाद में हमने कितनी कर ली इसमें? छह कर ली है। प्लिंथ बीम में ना है? सॉरी प्लिंथ बीम में नहीं, ये फुटिंग में आएगी नीचे। अच्छा जमीन के अंदर। तो इतना करने के बाद में फिर आपका यहाँ पे ऑप्शन आता है, डिजाइन पैरामीटर्स में जाते हैं। ये आपका कंक्रीट और रेबर का है, इसमें ले लेते हैं 12 और 16 का। ये आपकी सॉइल कवर और सेफ्टी प्रॉपर्टीज है, ये फुटिंग ज्योमेट्रीज आपको दिखा रहा है, और यहाँ से डिजाइन पे क्लिक कर दो सीधे बस वो वैल्यूज देने के बाद। तो 6 फुटिंग थी, देखो 6 होगी, 6 आपको यहाँ शो करा रहा है। अब इसकी कैलकुलेशंस देखो यहाँ पे आएंगी आपकी। सबसे पहले देखो यहाँ पे फुटिंग वन की आ रहा है, इसमें मेन जो स्टील टॉप डलेगा आपका वो 12 mm की सरिया है 180 mm पे, और मेन जो आपकी डलेगी बॉटम में वो है आपकी 12 mm की सरिया और 155 mm सेंटर टू सेंटर पे, और सेकेंडरी डलेगी आपकी ये भी आपका 12 mm की सरिया है 185 mm पे, और जो सेकेंडरी है बॉटम में वो भी आपकी 12 की है 185 सेंटीमीटर पे। अब देखो वो डलेगी कैसे कैसे, आपका इस तरह से पूरा स्ट्रिप बना हुआ था, तो नीचे फाउंडेशन में आप देख रहे हो पूरा एक स्लैब डला हुआ है, इसमें स्लैब बना हुआ नीचे का, और उस स्लैब में से आपके कॉलम्स निकले हुए हैं ऊपर जाने के लिए जो आप उसमें कंसीडर करेंगे। स्लैब की डेप्थ कितनी है इसमें? किस चीज की स्लैब की डेप्थ? हाँ ये अभी आएगी नीचे, देखते हैं डेप्थ कितनी आ रही है इसमें, ठीक है। ये आपकी पूरा टोटल जो आपका आएगा सॉइल डेप्थ प्लस फुटिंग डेप्थ दोनों मिला करके आपकी आएगी, ठीक है। फुटिंग वन आपका आ रहा है, रेक्टेंगुलर कॉलम है, कॉलम टू है, इसमें देखो दिखा रहा है कॉलम वन कौन से कॉलम है, कॉलम थ्री, कॉलम टू, कॉलम फोर,
कॉलम फाइव, ठीक है, फाइव ही है। और इसमें आपका ये डिजाइनिंग ये दिखा रहा है, कवर एंड सॉइल दिखा रहा है, कंक्रीट एंड रेबर दिखा रहा है कि हमने कितनी कितनी कैलकुलेट की है। ये है फुटिंग साइज कैलकुलेशन, जो इनिशियल लेंथ है आपकी विड्थ की वो कितनी है आपकी, 35 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। मिनिमम एरिया ऑफ बियरिंग प्रेशर, ये इतने उसका प्रेशर बियर करने का वो ऑप्शन आ रहा है। फिर आप नीचे जाएंगे, लोड केसेस दिखा रहा है कि आपके कौन से लोड केसेस लगे हुए हैं। फिर आपका अप्लाइड लोड स्ट्रेंथ आ रहा है। ये आपको प्रेशर बता रहा है, समरी ऑफ एडजस्टेड प्रेशर फॉर कॉर्नर्स, ये चारों कॉर्नर्स पे कितनी कितनी आ रही है।